क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंसिल है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा जगह है जिसका नाम है सांता क्लॉस? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आप एक ही वर्ड बोलोगे, प्रोडिजियस मैन, प्रोडिजियस। मजा आ गया। फैक्ट नंबर 23, इस दुनिया में जितने भी जगहें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, ठीक है, पर एक ऐसा जगह है जिसका नाम है तोमाता वाकातान जीहान गा गोवा वो टमाटा टी रूपो का आऊंगा ओनारो कूपा का वैना वा आना तू आऊ। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये 85 लेटर का एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक सिंगल नेम है एक जगह का, और ये जगह नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में मौजूद है। फैक्ट नंबर 22, एंट्स यानी चींटियों के बारे में ये फैक्ट है कि आप उसको कितना भी ऊपर से गिरा दो नीचे वो नहीं मरेगी। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से या फिर मुकेश अंबानी जी के घर जो कि इतना लंबा है वहां से भी चींटी को गिरा दो ना, तो चींटी सिंपली नीचे गिरेगी और गिरकर रोड पर आएगी और अपना थग लाइफ की तरह अपने चालन को कंटिन्यू करेगी, वो चलते रहेगी क्योंकि उनका वेट बहुत कम होता है और उनका टर्मिनल वेलोसिटी उतना ज्यादा नहीं होता है कि वो उसके बॉडी को हार्म कर दे। दैट्स इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 21, ब्रिस्टलेकोन पाइन नाम का एक पेड़ है और ये पेड़, इस पेड़ को ऑफिशियली इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पेड़ माना जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि लोग क्लेम करते हैं कि ये 5,000 साल 10,000 साल 15,000 साल जिए हैं, पर उनका कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं है कि वो इतने साल जिए हैं, कोई सबूत नहीं है। पर ये जो पेड़ है ना, इसे साइंटिस्ट्स ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है, मतलब मोहर पर मारा गया है कि हाँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये पेड़ 4,845 साल पुराना है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 20, दुनिया में जितने भी कंपनीज हैं, तो क्या आपको पता है कि रेवेन्यू यानी पैसे के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इस पूरे धरती पर? तो उसका लिस्ट ये देखो। नंबर 1 पर है वॉलमार्ट, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये एक बहुत ही बड़ी रिटेल कंपनी है। फिर है सिनोपेक, फिर है रॉयल डच शेल, फिर आता है चाइना नेशनल पेट्रोलियम, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको, बीपी, एक्सॉन मोबिल। मतलब वॉलमार्ट पैसे के मामले में रूल करता है। दैट्स ऑसम। इसी फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 19, आपने कभी भी अगर विंडोज XP या फिर विंडोज चलाया होगा डेस्कटॉप PC पर, तो ये जो है ना, ये विंडोज का डिफॉल्ट वॉलपेपर था पहले, और इसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा किसी न किसी कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में भी। तो ये जो सबसे फेमस विंडोज का वॉलपेपर है ना, ये एक्चुअल खींचा हुआ फोटो है और इसे चार्ल्स और रियर ने खींचा था, मतलब इसका क्रेडिट चार्ल्स और रियर को जाता है। फैक्ट नंबर 18, साल 1845 में आयरलैंड जो है ये देश, यहाँ पर भुखमरी हुई थी, बहुत ही लार्ज स्केल पर भुखमरी, और इससे जो है वहाँ की लगभग क्या बोलूं मैं, बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन इसी के चलते मर गई। इसे द ग्रेट पोटैटो फैमिन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि उस टाइम 1845 में आयरलैंड की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो थी 9 मिलियन, ठीक है, 90 लाख लोग वहाँ रहते थे, तो 90 लाख से 60 लाख 50 लाख पर पॉपुलेशन आ गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि अभी आयरलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 4.8 मिलियन यानी 48 लाख ही है। मतलब वो जो फेमिन हुआ था उससे अभी तक आयरलैंड ने रिकवर नहीं किया है, मतलब जो घटना हुई थी उसके चलते जो इफेक्ट हुआ उसे आयरलैंड आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। कितनी अजीब बात है ना। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी ये बात सुना है कि जो लोहे होते हैं, लोहा एक्चुअली में गर्मी में थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है और ठंडे में सिकुड़ने लगता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने तो सुना ही होगा। तो क्या है कि जो आईफिल टावर है फ्रांस में वो भी गर्मी में ना ग्रो होने लगता है, उसकी हाइट जो है ना वो ठंडे के मुकाबले 6 इंच ऊपर चल जाता है, बढ़ जाता है। मतलब ये जो बात आपने सुना ये र्यूमर नहीं है, ये एक्चुअली साइंटिफिक प्रोसेस है कि गर्मियों में चीजें स्ट्रेच होती है और ठंडे में सिकुड़ जाती है।
फैक्ट नंबर 16, पूरे दुनिया में जितने भी शहर हैं, शहर सिटीज, तो अगर सारे कंट्रीज को, पूरे धरती को एनालाइज करें ना, तब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज्यादा लोग कौन शहर में रहते हैं, तो ये है वो लिस्ट। नंबर वन पे है टोक्यो, सेकंड में दिल्ली, फिर है शंघाई, साओ पोलो, मेक्सिको, कैरो, ढाका, मुंबई, बीजिंग, ओसाका। दिल्ली एरिया के मामले में कम है, पर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लगभग 3 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। फैक्ट नंबर 15, नंबर 7 कितना खास है आपको पता ही होगा, 7 फेरे, 7 चक्र, 7 समुंदर, 7 रेनबो के कलर्स, बहुत कुछ। तो एक बहुत बड़ी थ्योरी है कि जो शादी में 7 फेरे होते हैं ना, 7 बार वर वधु घूमते हैं, उसके बारे में थ्योरी ये है कि इसे ध्यान से सुनो, एक सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 1 से 9 के बीच में 7 ही वो नंबर है जो कि 360 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो वर वधु 7 बार घूमते हैं ये डिपिक्ट करने के लिए कि हमारे नाते को, रिलेशनशिप को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि 7 नंबर इन्वॉल्व है इसमें। दैट्स एन अमेजिंग थ्योरी। फैक्ट नंबर 14, ये है दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर, और ये पेंसिल्वेनिया के बिग मैक म्यूजियम में रखा हुआ है, और साल 2007 में मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने ही इसे रखा था, क्योंकि उनके बिग मैक बर्गर प्रोडक्ट, जो कि उनको बहुत आगे ले गया था उनकी कंपनी को, उसका 40वां एनिवर्सरी था, तो बिग मैक के बदले एक बिग मैक ही कर दिया उन्होंने, वाह, सेलिब्रेट करने के लिए। फैक्ट नंबर 13, न्यूजीलैंड जहाँ पर मौजूद है ना, साइंटिस्ट के हिसाब से न्यूजीलैंड के ठीक सामने एक सन के लैंडमास है, मतलब पानी में डूबा हुआ, मैं बगल में नहीं बोल सकता क्योंकि न्यूजीलैंड के ठीक नीचे मान लो हुआ है। इस इमेज को आप फुल स्क्रीन में देख लो, ऐसा कुछ। और कई साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि इस बड़े लैंडमास को धरती का 8वां कॉन्टिनेंट घोषित कर देना चाहिए। बहुत पहले जब धरती नहीं थी तब ये शायद धरती के ऊपर होगा। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आई थी कि स्पेस से भी ये विजिबल है। इसका नाम दिया गया है ज़ीलैंडिया, ज़ीलैंडिया। फैक्ट नंबर 12, ये जो फैक्ट है ये भी बहुत ही गजब है। पेंगुइन्स जो होते हैं वो इतने क्यूट होते हैं आजकल के जमाने में मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज से करीब 40 लाख साल पहले जो पेंगुइन होते थे वो करीब 6 फीट के होते थे, और उनके बहुत सारे बोन्स यानी हड्डियां भी पाई गई है। जब साइंटिस्ट को ये पता चला तब वो भी बहुत अमेज्ड थे। फैक्ट नंबर 11, जो बीज होती है मधुमक्खियाँ, वो क्या आपको पता है कि कितने ऊंचाई तक उड़ सकती है आसमान में? आपको तो ये पता ही होगा कि ईगल जो चील होती है वो बहुत ऊंचा उड़ती है, लगभग बादल तक उड़ती है वो आसमान में, पर आप ये जान के शायद बेहोश हो जाओ कि जो इतनी छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती है बीज, वो भी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है उसके ऊंचाई तक भी उड़ सकती है, मतलब करीब 8 किलोमीटर ऊपर वो कंफर्टेबली उड़ेगी, नीचे है ठीक है उड़ेगी। ये बीज के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। कैलकुलेशन की बात करें तो ये 29,525 फीट अबव सी लेवल तक उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 10, सेंट लुइस सिटी म्यूजियम में इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेफाइट पेंसिल है, और ये 76 फीट लंबा है, और इसका वजन है करीब 9,000 किलो। व्हाट, 9,000 किलो का पेंसिल से अगर आप लिखोगे तो क्या होगा? फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा जगह है इंडियाना में जिसका नाम है सेंटा क्लॉस। दैट्स गजब। तो इसी से इंस्पायर्ड होके मैंने सबसे अमेजिंग नहीं, सबसे अजीब जगहों का नाम कलेक्ट किया है। 88 नाम का एक जगह है केंटकी में, 84 पेंसिल्वेनिया, ये भी एक असल जगह का नाम है, सेंट लुइस डू, ये भी एक जगह का नाम है, हॉट कॉफी मिसिसिपी, ये एक असली जगह का नाम है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम का नाम है क्लिव क्रिश्चियन नंबर 1 पैसेंट गोल्डन। 30 ml परफ्यूम, मतलब इतना सा परफ्यूम 30 ml का दाम जनरली अभी के आप नॉर्मल परफ्यूम खरीदोगे तो होगा 500-600, 1000-5000 होगा महंगे वाले का, पर इस परफ्यूम के 30 ml का बॉक्स का दाम है 1,20,00,000, और इसका जो कंटेनर है उसमें 2,000 डायमंड लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 7, इस फैक्ट को जब आप सुनोगे तब आप बोलोगे क्या,
जो असल जंगली बनाना होता है केला, उसमें बीज होते हैं। बीज, रियली? आपको तो ये पता ही नहीं था, मतलब जो नेचर देता है बनाना उसमें बीज होते हैं। पर जो आप दुकान से या फिर मार्केट से खरीदते हो वो तो नाइस सॉफ्ट होता है एकदम बिना बीज का, क्योंकि बहुत पहले इसका ब्रीडिंग किया गया था और ऐसे आर्टिफिशियली बना दिया गया था, और उसके बाद जो वो बिना सीड वाला निकला वो बहुत पॉपुलर हो गया टेस्ट के वजह से। तो रियलिटी ये है कि जंगली जो बनाना होते हैं उसमें एक्चुअली सीड होता है, कुछ ऐसा। आप तो देख ही रहे हो इमेज, और जो आप बनाना खाते हो उसमें सीड नहीं होता, जैसा कि आपको पता होगा। फैक्ट नंबर 6, एक बीमारी होती है जिसमें लोगों को नंबर 13 से डर लगता है। 13, चलो आपका टेस्ट करें एक बार, देखो डर लग रहा है इससे, नहीं लग रहा होगा, तब आपको ये ट्राइस्केडोफोबिया नाम का बीमारी नहीं है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम है ट्राइस्केडोफोबिया। फैक्ट नंबर 5, जनरली स्कूल का फीस कितना होता है? आपको अपने स्कूल का मंथली चार्ज पता ही होगा। तो इस दुनिया का सबसे महंगा स्कूल जो है, इस दुनिया के सबसे महंगे स्कूल का जो प्राइस है ईयरली, वो है 60 लाख रुपए, यानी महीने के करीब 5 लाख रुपए। इस स्कूल का नाम है इंस्टीट्यूट ले रोजे, और ये स्विट्जरलैंड में मौजूद है। दुनिया का सबसे महंगा स्कूल, मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 4, कॉन्टेजियस योनिंग जो होता है, किसी और को देखकर आपको जमा जाती है, ये एक बहुत ही रियल थिंग है, बहुत ही मतलब होता है, लोगों ने अनुभव जरूर किया है। पर दिमाग के किस पार्ट के चलते कौन सा वायरलेस वाईफाई लगा हुआ हमारे दिमाग में जो कि दूसरों से कनेक्ट कर देता है हमें, पता नहीं। साइंटिस्ट को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कौन सा ब्रेन पार्ट ये करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस अजीब सी चीज के लिए कि हमें किसी और को देख कर ही जमा जाने लगती। फैक्ट नंबर 3, सांप अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। ये सुन के आपको अनरियल लग रहा होगा, पर ये जो होता है ये बहुत रेयर होता है, और लिटरली हॉक ने फायर निकल रहा वैसा नहीं होता है, काइंड ऑफ होता है थोड़ा सा। इसे होने के लिए स्नेक के पेट में खाना होना चाहिए जो कि डाइजेस्ट हो रहा हो, और जो नेचुरली मीथेन और हाइड्रोजन जो रिलीज होता है मुंह के थ्रू सांप का, मतलब एक सेट ऑफ कंडीशंस जब होते हैं तो जब वो ढिकार मारते हैं तब हल्का सा ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस फायर जैसा कुछ निकलता है एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 2, चाइल में मौजूद अटकामा डेजर्ट को दुनिया का सबसे सूखा जगह माना जाता है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, और ये इतना सूखा है कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने मार्शियन रोवर का जो स्पेस में जो गया उसका टेस्ट उन्होंने यही किया था, और यहाँ से जो आसमान का मिल्की वे गैलेक्सी है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और इसके विपरीत वोस्टोक स्टेशन एंटार्क्टिका इस दुनिया का सबसे ठंडा जगह है, और आप यकीन नहीं करोगे कि 21 जुलाई 1983 में इस जगह 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस ऐसे कॉमन टेम्परेचर नहीं बल्कि -89.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। मतलब 0 डिग्री -1 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, तो -89 में। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, पुलिसमैन के वर्दी पर यहाँ 3 स्टार्स क्यों होते हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए आपको इंडियन पुलिस का जो पूरा सिस्टम है, उनकी जो रैंकिंग होते हैं, पुलिस रैंकिंग, उनको आपको जानना होगा। देखो ये है रैंकिंग, ध्यान से समझ लेना, बहुत काम की चीज है। सबसे पहले आता है कांस्टेबल, और आपको तो ये पता ही होगा कि कांस्टेबल के यहाँ पर कोई बैज नहीं होता। सीनियर कांस्टेबल जो होते हैं उनके यहाँ पर स्टार्स तो नहीं पर 2 स्ट्राइप्स होते हैं, और जो हेड कांस्टेबल होता है उनके यहाँ पर 3 स्ट्राइप्स होते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, और इनके कंधे पर 1 स्टार होता है, 1 स्टार, और साथ में रेड और ब्लू, लाल और नीला कलर का स्ट्राइप होता है।
सब इंस्पेक्टर के यहाँ पर दो स्टार्स होते हैं, फिर आता है इंस्पेक्टर और एक लेवल ऊपर, और इनके कंधे पर जो होता है तीन बैज होता है, तीन स्टार होता है। तो मतलब ये तीन स्टार इंस्पेक्टर की निशानी है, इंस्पेक्टर्स के यहाँ पर होता है। और अगर हम लोग इनके एक लेवल इंस्पेक्टर के एक लेवल ऊपर का भी बात करें तो फिर आता है DSP, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके यहाँ पर भी तीन स्टार्स होते हैं, पर जो इंस्पेक्टर पर ब्लू और रेड स्ट्राइप्स था वो इनके यहाँ पर नहीं होता। फिर इनके ऊपर भी जो लेवल पर आते हैं वो होते हैं ASP, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनके यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी बना होता है, और इनके ऊपर भी आता है SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनके यहाँ पर एक स्तंभ होता है और एक स्टार होता है, और इनके ऊपर भी होता है SSP, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनके यहाँ पर एक स्तंभ होता है और दो स्टार्स होते हैं। सो दिस वॉज द फैक्ट। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को खुलकर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर अभी कर लो, लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।